और वॉट इज मींट बाई डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन एनी थ्री ऑफ इट्स एडवांटेजेज एंड सो, ऑर्गेनाइजेशन के डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है और इसके तीन एडवांटेजेस और तीन डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करिए सो अब हम देखेंगे इसका आंसर सो so, n organization structure in which various departments Are created on the basis of products territory. Or region is called divisional structure. Each unit हैज आ डिविजनल मैनेजर हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर performance edge has authority over their division Is further divided into functional units like. Production, sales, finance, etc. So, an organization structure in which various departments are created on the basis of products, territory, or region is called divisional structure. So, एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में अगर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स क्या हो रहे हैं क्रिएट हो रहे हैं वो भी किस बेसिस पे या तो प्रोडक्ट के बेसिस पे या टेरिटरी के बेस पे या फिर रीजन के बेस पे तो उसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर सो इच यूनिट डिविजनल मैनेजर हुबल फॉर परफॉर्मेंस एज हैज अथॉरिटी ओवर देयर डिविजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फंक्शनल यूनिट्स लाइक प्रोडक्शन सेल्स फाइनेंस इटीसी यूनिट होती है उसका क्या होता है उसका एक डिविजनल मैनेजर रहता है जो क्या रहता है जो कि परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्योंकि वो क्या रहता है वो उस डिवीजन का हेड होता है और जो वो डिविजन होते हैं उनको फर्दर हम फंक्शनल यूनिट्स में क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं लाइक प्रोडक्शन सेल्स फिनेंस इटीसी सो एक बार हम इस स्ट्रक्चर को डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं ताकि हमें चीजें और क्लियर हो जाए सो so, अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की तो सबसे ऊपर आ जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर और ये फर्दर क्या होगा इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर में सो हम प्रोडक्ट के बेस पे यहाँ पे इसको क्या करेंगे जो बेरिश डिपार्टमेंट्स हैं, उनको क्रिएट करेंगे सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के बेस पे डिपार्टमेंट्स को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं तो यहां पे आ जाएगा कॉस्मेटिक्स फिर आएगा यहां पे गारमेंट्स फिर आएगा यहां पे फुटवियर और इन द लास्ट मेडिसिन सो So, यहाँ पे हमने क्या किया है हमने प्रोडक्ट के बेस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए है सो so, वो प्रोडक्ट कौन कौन से थे वो प्रोडक्ट थे कॉस्मेटिक्स गार्मेंट्स फुटवेयर मेडिसन सो ये क्या किया है हमने डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे शो so, किया है अब ये फर्दर हम इनको क्या कर सकते हैं फंक्शनल यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं सो लाइक अगर गार्मेंट्स को हम फंक्शनल यूनिट में डिवाइड करें So, यहां पे कौन कौन से बना सकते हैं हम फंक्शनल यूनिट सो यहां पे आ जाएगा ह्यूमन रिसोर्स फिर आएगा यहां पे मार्केटिंग देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेज गार्मेंट्स को क्या किया है हमने फर्दर यहां फंक्शनल यूनिट में डिवाइड कर दिया है्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेज सो सो इस डायग्राम के थ्रू हमने शो किया है कि कैसे हम डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिविजनल स्ट्रक्चर से कैसे हम फंक्शनल यूनिट्स में उसको डिवाइड करते हैं नाउ अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस सो एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर सो पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स Manager to develop varied skills related to a Product and facilitates managerial development. So, पहला एडवांटेज है इट हेल्प्स मैनेजर टू डेवलप वेराइड स्किल्स रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट एंड फैसिलिटेट्स मैनेजरियल डेवलपमेंट सो ये मैनेजर को क्या करता है ये मैनेजर को हेल्प करता है कि वो क्या करे वो वेरियस स्किल्स को डेवलप करे प्रोडक्ट से जो रिलेटेड हो और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैनेजरियल डेवलपमेंट है उसको क्या करे उसको आसान कर दे सो so, ये है इसका पहला एडवांटेज नाउ सेकंड एडवांटेज सो सेकंड एडवांटेज है विथ मोर इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी Decisions are taken faster in divisional structure. थ मोर इनिशिएटिव एंड फ्लेक्सीबिलिटी डिसीजन आर टेकिंग फास्टर इन डिविजनल स्ट्रक्चर सो यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ज्यादा इनिशिएटिव और फ्लेक्सीबिलिटी के कारण जो डिसीजनस होते हैं वो क्या होते हैं वो फास्टली लिए जाते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में सो so, ये क्या है ये इसका सेकेंड एडवांटेज है नाउ थर्ड एडवांटेज थर्ड so, एडवांटेज है इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन Can be added without interrupting existing. ऑपरेशंस, सो, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. सो ये क्या करता है ये एक्सपेंशन और ग्रोथ को आसान बना देता है क्योंकि जो न्यू डिवीजन होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? वो इजीली हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को इंटरप्ट किए बिना सो so, ये क्या है ये तीसरा एडवांटेज है नाउ अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस so, पहला डिसएडवांटेज है कॉन्फ्लिक्ट May arise between divisions on allocation of funds and अदर रिसोर्सेस सो कॉन्फ्लिक्ट में अराइज बिटवीन डिवीजन ऑन एलोकेशन ऑफ फंड्स एंड अदर रिसोर्सेस सो जो डिवीजन है उनके बीच में क्या हो सकता है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है किस चीज को लेके फंड के अलोकेशन को लेके या फिर अदर रिसोर्सेस के अलोकेशन को लेके सो so, यह है पहला डिसएडवांटेज सेकंड डिसएडवांटेज सो सेकंड डिसएडवांटेज है ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिविजनल हेड्स मे लीड टू मिस यूज ऑफ अथॉरिटी सो सेकेंड डिसएडवांटेज है ग्रेटर ऑटोनोमी टू डिविजनल हेड्स मे लीड टू मिस यूज ऑफ अथॉरिटी तो अगर क्या होगा डिविजनल हेड्स को ज्यादा अथॉरिटी मिलेगी इसके कारण वो क्या कर सकते हैं अपनी अथॉरिटी का मिस यूज कर सकते हैं सो यह है सेकेंड डिसएडवांटेज नाउ थर्ड डिसएडवाटेज तीसरा डिसएडवांटेज है मैनेजर्स so, इन

ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सो मैनेजर्स इन ईच डिवीजन फोकस ऑन देअर ओन ऑब्जेक्टिव रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स सो मैनेजर्स यहां पे क्या करेंगे जो मैनेजर्स हैं हर एक डिवीजन के वो अपने ऑब्जेक्टिव्स पर कर अपने ऑब्जेक्टिव्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स है उन पर क्या होगा उन पर उनका फोकस कम होगा सो so, ये है तीसरा डिसएडवांटेज। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को क्या करना था हमें एक्सप्लेन करना था सो so, हमने यहाँ पे डिविजनल स्ट्रक्चर को भी देख लिया है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए हैं दिस इज़ द आंसर ऑफ द गिवेन क्वेश्चन क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटा या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर